20 दिसंबर की तारीख अपने कैलेंडर में आप मार्क करके रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि रिलीज का मौका है भाईजान सलमान खान की फिल्म दबंग का। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। बात करते हैं दबंग 3 के बारे में, जो कि है हुड़ हुड़ दबंग दबंग। बताना चाहता हूं कि इसके ट्रेलर ने, इसके गानों ने इंटरनेट पर दस्तक दे दी है, और क्या कातिल गाने हैं, क्या बेहतरीन सॉन्ग्स हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स जो कि इस फिल्म को सुपर डुपर हिट बना देंगे, आइए उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। भाई सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट तो भाईजान सलमान खान का है, भाईजान सलमान खान और प्रभु देवा जी का है। प्रभु देवा वो डायरेक्टर हैं जिन्होंने हिट फिल्म्स दी, जैसे राउडी राठौर, वांटेड, आर राजकुमार। तो आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि प्रभु देवा साहब एक बार फिर से भाई सलमान खान के साथ वापस आ रहे हैं, और इस बार उन्होंने दबंग 3 को डायरेक्ट किया है। दबंग 1, दबंग 2 जब आती है दोस्तों तो बेहतरीन बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस करती है। दबंग 3 से भी यही एक्सपेक्टेशंस है, और प्लस इसमें प्रभु देवा जी का स्वैग होगा, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म को कितने ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। नंबर 2, ये जो फिल्म है दोस्तों ये तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी में रिलीज होने वाली है। बता दूं आपको, तो अगर आप इंटरनेट चेक करते हैं तो यूट्यूब में आपको इन चारों ही लैंग्वेजेस में दोस्तों आपको इसके ट्रेलर नजर आ जाएंगे, और प्लस कहीं ना कहीं हम लोग इस बात को देखने के लिए भी एक्साइटेड हैं कि किस हिसाब से रिस्पॉन्स आएगा। मतलब अगर बात करें दोस्तों, तो जब भी पैन इंडिया फिल्म कोई रिलीज होती है, इस बड़े लेवल पर रिलीज होती है, तो बॉक्स ऑफिस पर भयंकर बिजनेस करती है। पहले दिन तो एकदम गर्दा फाड़ कमाई जो होती है ना दोस्तों, उस तरीके की करती है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि अब क्या होगा। मतलब अगर बात करें तो देखते हैं कि भाईजान सलमान खान कितना ज्यादा अपना चार्म दिखा पाएंगे ऑन स्क्रीन, और प्लस क्षेत्रीय जो ऑडियंस है, यानी कि तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा की जो ऑडियंस है, वो कितना ज्यादा इंप्रेस भाई से हो पाती है। नंबर 3, आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इस बार भाईजान सलमान खान एक नए फेस को लेकर आए हैं, और ये नया फेस है सई माजरेकर का। सई माजरेकर वही हैं दोस्तों जो कि भाईजान सलमान खान के साथ आजकल पार्टीज में दिखती हैं, सोशल गैदरिंग्स में दिखती हैं। सई महेश माजरेकर जी की डॉटर है, और महेश माजरेकर भाई के बहुत बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। महेश माजरेकर जी की बेटी को डेब्यू कराना दोस्तों, और भाई ने ये डिसाइड किया और दबंग में उनको मौका दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है। आगे के पॉइंट तो ऐसे में दोस्तों आपको बता दूं, तो इस फिल्म के अंदर पास्ट और प्रेजेंट का अमलगमेशन दिखाई देगा। किस तरीके से चुलबुल पांडे बनता है, किस तरीके से चुलबुल पांडे जो है दबंग बनता है, किस तरीके से वो रॉबिन हुड पांडे बन जाता है, ये इस फिल्म के अंदर हमें देखने को मिलेगा। और अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये पास्ट और प्रेजेंट का अमलगमेशन हो। अगला जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों, वो है किच्चा सुदीप का पॉइंट। किच्चा सुदीप इसमें मेन एंटैगनिस्ट की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। किच्चा सुदीप दोस्तों जब जब एंटैगनिस्ट बने हैं, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट गई है। अगर बात की जाए दोस्तों, तो किच्चा सुदीप अपने आप में इतने सक्षम एक्टर हैं कि वो आसानी से 100 करोड़ दे देते हैं। तो भाई अगर बात करें तो 100 करोड़ भाई के, 100 करोड़ उनके, तो दोनों को मिला के अगर बात करें तो पहले दिन 200 करोड़ आराम से कर सकती है। जस्ट हाइपोथेटिकल। अगला इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट दोस्तों ये है कि इस फिल्म का म्यूजिक जो दिया है साजिद वाजिद ने दिया है। ये वही साजिद वाजिद हैं जिन्होंने भाईजान सलमान खान की फिल्मों का अक्सर म्यूजिक दिया है, और दबंग का म्यूजिक अगर मैं बात करूं पार्ट 1 पार्ट 2 का, अच्छा था। मतलब कि अगर चाहे मुन्नी बदनाम सॉन्ग ले लीजिए, नैना सॉन्ग ले लीजिए, तेरे मस्त मस्त दो नैन सॉन्ग ले लीजिए, ये वो कुछ हिट नंबर है। और अगर बात करें दोस्तों दबंग 3 की, तो दबंग 3 के भी सॉन्ग अभी से ही हिट जा रहे हैं, और मुन्ना बदनाम हुआ तो डेफिनेटली हिट होगा ही होगा। ये फिल्म दोस्तों एक्शन के साथ साथ इमोशनल जर्नी भी होने वाली है, जिसमें कि हम चुलबुल पांडे की अलग अलग सिचुएशंस को देखेंगे, चुलबुल पांडे की हम वल्नरेबिलिटी को भी देखेंगे, और साथ ही साथ हम उसकी स्ट्रेंथ को भी देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अगर बात की जाए तो इस फिल्म में भाईजान सलमान खान दो विमेन को वू करते हुए नजर आएंगे, यानी कि उनके साथ रोमांस करते हुए नजर आएंगे। एक है सई माजरेकर, दूसरी है अपनी रज्जो रानी यानी कि सोनाक्षी सिन्हा, जिनके साथ वो यू करके सॉन्ग गा रहे हैं। सो ओवर एंड ऑल दोस्तों, अगर बात की जाए तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट जाएगी और पहले दिन तगड़ी कमाई करेगी। आप लोगों का क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग।